मॉर्निंग गाइस, आज हम आए हैं सिलिसियल लेक पर केचुआ का MH100 3% टेंट का सेटअप एंड रिव्यू करने। और आज आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से सेटअप होता है केचुआ का MH300 टेंट और इसका किस तरह के इसकी रिव्यू है, क्या ये वास्तव में रेन प्रूफ है, हीट प्रूफ है, विंड प्रूफ है, ये हम आपको वीडियो में दिखाने वाले हैं। इस तरह का एक मैनुअल है इसके अंदर, जिसके अंदर बता रखा है हाउ टू सेटअप टेंट। इसको रख लेते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है अभी। इस तरह से फाइबर के पोल इसमें आते हैं, इस तरह से फाइबर के दो पोल आते हैं जो भी हम सेटअप करने के लिए इसके अंदर लगाने वाले हैं। आप देखिएगा, ये बहुत इजीली इसके अंदर सेट हो जाते हैं। इनको ऐसे ही सेट करके दोनों कोने में टेंट में इस तरह से ब्लैक का एक ये दे रखा है इसका लगाने का। इसमें एक तरफ से इसको फिट करेंगे, इसी तरह उस तरफ भी है। यहाँ पे इसको लगा के इसे ऐसे छोड़ देना है। सेम प्रोसेस इस साइड भी है, सेम उसी तरह हम स्टिक को यहाँ पे असेंबल करेंगे और वही प्रोसेस है जो पहले आपने देखा था। देख ले आप तो है ना, चार तो नहीं आ रहेगा, 3-4 हो जाएंगे। स्पष्ट बताऊँ तो एक एक आदमी है, एक नाला में एक ऊपर आप एक बार इसमें कुछ हुक, इस तरह के जो हुक हैं इनको यहाँ पे टक करना है। चारों ओर टेंट के आपको यहाँ पे ये हुक मिलेंगे। हेलो कौन
तो टेंट का ये सेटअप रेडी है। इसके बाद हम इस पे रेन प्रूफ जो कवर आता है वो इंस्टॉल करेंगे। इस तरह तो फाइनली हमारा टेंट लग के रेडी है विथ रेन प्रूफ कवर। आइए अब आपको दिखाते हैं अंदर कितना स्पेस मिलता है इसमें आपको। आप देख सकते हैं अंदर से टेंट काफ़ी स्पेशियस है, तीन लोग तो बहुत इजीली इसके अंदर आराम से सेट हो सकते हैं और सो सकते हैं आराम से, पैर फैला के खूब जगह है इसके अंदर। और अगर आप लोग चार लोग भी हैं तो चार लोग भी आ जाएंगे, थोड़ा बहुत सेटलमेंट करना पड़ेगा। देखिए अंदर से देखिए कितना स्पेस है। मेरी हाइट है तकरीबन 5.5 फिट और मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर कितना स्पेस है लेट के। आप देख सकते हैं मैं इजीली यहाँ पे सेट हो गया हूँ। अभी यहाँ पे कितना स्पेस है, यहाँ पे मेरे जैसे 1, 2, 3 तो यहाँ पे मेरे जैसे चार लोग आराम से इसमें सो सकते हैं, और जिनकी हाइट लंबी है वो तीन लोग जो अच्छे खासे मोटे हो वो तीन लोग इसके अंदर आराम से सेट हो सकते हैं। अंदर से आप दिखाइए इसमें आपको यहाँ पे एक ये जाली मिलती है जिसमें आप अपना फ़ोन पर्स कुछ भी इजीली इसके अंदर रख सकते हैं। यहाँ पे आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो दिया हुआ है जिसके साथ आपकी एयर पास होती रहेगी बाहर। इधर यहाँ से दिखाने यहाँ पे आपको एक ये हुक दिया हुआ है जिसके अंदर आप अपनी कैंपिंग लाइट एलईडी लाइट इसके अंदर टक कर सकते हैं। यहाँ टेंट के साथ आपको बेटर स्टेबिलिटी के लिए तेज हवाओं में हैवी विंड के अंदर आपको कुछ ये इस तरह के ये हुक दिखाई दे रहे हैं, ये आपको मिलते हैं, और ये रोप इस तरह की आपको मिलती है जिसको आपको टेंट के चारों तरफ लगाना है स्टेबिलिटी के लिए। ज़मीन में लगने के बाद आपका टेंट और ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा तेज हवाओं के अंदर। देखिए इस तरह से आपको ये हुक लगा देने हैं ज़मीन के अंदर, उससे आपका टेंट स्टेबल हो जाएगा और कहीं तेज हवा में उड़ेगा नहीं। ये कुछ एक्स्ट्रा आपको रोप और ये दी गई है, मैं दिखाता हूँ इसका यूजेस क्या है। इसका यूज़ है आपको
यहाँ पे इस तरह के हुक मिलेंगे, इस हुक पे लगा के आपको अंदर जमीन में इसको लगा देना है तो आपका टेंट और ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। सेम ऐसा ही यहाँ पे आपको दिया हुआ है बांधने के लिए। ओके, अभी हम आपको दिखा रहे हैं इसमें पानी डाल के कि किस तरह से पानी इसमें गिरने के बाद अंदर नहीं जाता है, सीधा डायरेक्ट बाहर आ जाता है। पानी कहीं पे रुका भी नहीं है टेंट पे और पूरा नीचे आ गया है, अंदर जाने का तो मतलब ही नहीं है। मैं आपको अंदर से दिखा रहा हूँ कि पानी का एक ड्रॉप भी अंदर नहीं गया होगा। आप देख सकते हैं टेंट के अंदर पानी का एक ड्रॉप भी अंदर नहीं आया है। पीछे टेंट के साथ और भी बहुत सारी एक्सेसरीज हैं जो आपको कैंपिंग के दौरान बहुत ज़रूरी होती हैं। मेरे पास है अभी ये केचुआ के कैंपिंग स्टूल, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से इनका यूज़ किया जाता है। इनको सिंपल सा ऐसे खोलना है, इसको लगाना है और आपको बैठ जाना है। इस पर 80 से 130 किलो तक का ये वज़न सहन कर सकते हैं बहुत ही ईजीली। सेम ऐसे ही ये दूसरा स्टूल है, इसको भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। दोनों का सेम फंक्शन है। तीसरी चीज़ जो आती है कैंपिंग के दौरान जो बहुत ही आपको ज़रूरी है वो आती है इस तरह की फोल्डिंग चेयर। ये फोल्ड हो जाती है, इसको आप चाहे तो इसको ऐसे करके और इसको अपने कंधे पे टाँग के भी ले जा सकते हैं किसी भी ट्रैक के दौरान। चलिए इसको भी खोल के मैं आपको दिखा देता हूँ। ये चेयर है और इस पर मैं बैठ के दिखाता हूँ आपको। बहुत ही कंफर्टेबल चेयर है ये और आपको यहाँ पर एक बोतल होल्डर या ग्लास होल्डर भी मिलता है, आप कैंपिंग के दौरान इसमें अपनी कोल्ड ड्रिंक की बोतल या वाटर बोतल जो भी है इसमें रख सकते हैं। तो ये जो चेयर है ये बहुत ही आरामदायक है। चौथी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ है ये फोल्डिंग टेबल। कैंपिंग करने के दौरान हम खाना बनाते हैं या कुछ भी सामान रखना है तो वो थोड़ा इजी हो जाता है इस कैंपिंग टेबल के थ्रू। इसको आपको खोलना है ऐसे, यहाँ पे लॉक दिए हुए हैं कि लॉक इनको ऐसे लगाना है और ये आपकी टेबल है रेडी। अब इसके ऊपर आप अपना कुछ भी चाय पानी कॉफ़ी वगैरह रख के आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो स्टूल पर बैठ के यहाँ पर कुछ भी स्टोव वगैरह रख के कुछ भी अपना जो भी आपका सामान है आप खाना इस पर बना सकते हैं बहुत ही इजीली। तो ये भी एक बहुत यूज़फुल चीज़ है कैंपिंग के दौरान जो हम लोग। तो ये जो चार जो चीज़ें हैं जो मेन मेजर जो चीज़ें आती हैं कैंपिंग के दौरान वो मैंने भी आपको दिखाई, चेयर स्टूल टेबल और ये केचुआ का MS 300 3% टेंट। तो इन चीज़ों का आज आपने सेटअप देखा और इनके रिव्यूज़ देखे किस तरह से। अभी आप सिनेमैटिक्स एंजॉय कीजिए इस ब्यूटीफुल लोकेशन का, ब्यूटीफुल लेक ऑफ सिलिसेड। तो गाइस इतनी ब्यूटीफुल लोकेशन पे आके मुझे तो मजा आ गया है, आप लोग भी बताइएगा कि आपको लोकेशन कैसी लगी और ये लेक का व्यू आपको कैसा लगा। अगर आपको लेक का व्यू अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब के बेल बटन आइकन पे तुरंत क्लिक करो। सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीज़ा टू विल्डरनेस 1.0।